गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग कल का जो होमवर्क आप लोग को दिए थे आज उसका हम डिस्कशन करेंगे। देखिए हम लोग कल मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम देख चुके थे। ओके गाय, आइए आज हम उसका जो न्यूमेरिकल आपको 8-10 जो न्यूमेरिकल दिए थे उसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। चल बेटे, पहला सवाल ये है fx = 5x³+2x²-3x। अब यहाँ पे इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देख बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पे 5x³ कितना हो जाएगा 2x²-3x। इसका डेरिवेटिव निकाल बेटे, डिफरेंशिएट, देख यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, चल दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे। तो यहाँ पे f' ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ का डेरिवेटिव 15x² प्लस, ये बताओ ये कितना है 4x-3। ओके गाइस, उसके बाद क्या बोले थे, f' ऑफ x को क्या कर दे बेटे, 0 के बराबर। f' ऑफ x को क्या कर दे, 0 के बराबर। तो अब ये बता, यहाँ पे 15x² प्लस कितना हो जाएगा 4x-3 इज इक्वल टू 0। अब देख बेटे यहाँ पे अब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 × 15 कितना जाएगा 45। 45 को हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे 15x² प्लस 9x माइनस कितना जाएगा 5x-3 इज इक्वल टू 0। बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 5x+3-1 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 5x+3 इज इक्वल टू 0। देख बेटे यहाँ पे 3x-1 × क्या हो जाएगा 5x+3 इज इक्वल टू 0, राइट ना। अब यहाँ से देख बेटे x इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/3 और दूसरा क्या जाएगा -3/5, राइट ना। तो देख बेटे यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए, x इज इक्वल टू 1 आ गया कितना 1/3, दूसरा गया -3/5। अब बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सुनो ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। चल बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f" ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x, देखना बेटे ये हो जाएगा 30x प्लस कितना हो जाएगा 4, राइट है। अब बेटे यहाँ पे ले लो एट x इज इक्वल टू पहले 1/3, तो f' ऑफ कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 30 × x के जगह पे 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 4। देख बेटे ये हो जाएगा 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 ग्रेटर देन 0। तो बेटे अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब है कि fx जो है कैसा वैल्यू देगा, fx है एज मिनिमम वैल्यू, देख बेटे fx है एज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/3। तो बेटे f मिनिमम कितना होगा जल्दी बताओ, f मिनिमम तो यहाँ पे x की जगह पे कितना पुट कर दे, 3 पुट कर दे, तो 5 × क्या हो जाएगा 1/3 का क्यूब प्लस 2 × 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 1/3। बेटे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए उसी तरह से, अब आइए एट, देख बेटे एट x इज इक्वल टू -3/5, चल पुट कर दे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, -3/5 इज इक्वल टू 30, एक्स की जगह पे -3/5 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो बेटे ये बताओ ये हो जाएगा 6, -18+4 इज इक्वल टू -14 < 0। इसका मतलब है बेटे एफ ऑफ एक्स है जे, बोलना एफ ऑफ एक्स है मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -3/5, राइट ना। एक्स इज इक्वल टू -3/5 पे फंक्शन कैसा वैल्यू दे रहा है बेटे, मैक्सिमम। तो यहाँ पे बताइएगा एफ मैक्स क्या होगा, बोलो ना एफ मैक्स इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5x के जगह पे -3/5 इसका होल स्क्वायर, बेटे x के जगह पे -3/5 इसका होल स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कितना हो जाएगा 9/5, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाले। तो बेटे यहाँ पे एक्स के दो वैल्यू आया, तो हमने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1/3 - 3/5 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बारी बारी से ये दोनों वैल्यू निकाल के चेक किया
कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा, निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा। तो बेटे पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू होगा कितना, तो ये वाला जो वैल्यू निकल के आया है वो आप ओरिजिनल सवाल में पुट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा, इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा। तो बेटे ये आपका हो गया सवाल नंबर फर्स्ट। ओके गाइस, ओके क्लियर है। आइए सवाल नंबर टू पे आते हैं, देखते जाइएगा कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। चल बेटे सवाल नंबर टू पे आते हैं, सवाल नंबर टू लिखो। सवाल नंबर टू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटे, यहाँ पे 2x³ - 21x² और +36x - 20। ओके गाइस, चलो बेटे अब ये हम सवाल नंबर सेकंड लेते हैं और इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करके ये बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। चलिए आप लोग बैठिए नहीं, सवाल को सॉल्व करते रहिए, जहां पे डाउट्स होगा मेरे से पूछते रहिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चल बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2x³ - 21x² + 36x - 20। ओके बेटे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बेटे, डिफ्रेंशिएट देखे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, देख बेटे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x² - 42x + क्या होगा बेटे 36 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटे इसके बाद क्या बोले थे, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा 6x² - 42x + 36 इज इक्वल टू जीरो, 6 कॉमन लेके बाहर निकालो, x² - 7x + 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x² - 7x + 6 इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर कर दे बेटे x² - 6x - x + 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x कॉमन निकाल, x - 6 - 1 कॉमन निकालो, x - 6 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटे यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो x का वैल्यू 6 आएगा और दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा बताइएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया और दूसरा वैल्यू आ गया 1, x के दो वैल्यू आ गए। अब क्या कीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके बाद बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x - 42। अब क्या कर बेटे एट एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो चल यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू 12 × 6 - 42 कितना हो जाएगा 72 - 42 इज इक्वल टू 30 पॉजिटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स हैज, बोल बेटे मिनिमम, देखना मिनिमम एट, बोल बेटे एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 6 पे, तो बेटे एफ मिनिमम कितना होगा, एफ मिनिमम बताओ ना, ये एक्स का वैल्यू 6 उठाओ इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो बेटे 2 × 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 21 × 6 का स्क्वायर 36 प्लस बेटे 36 × 6 माइनस कितना होगा बेटे 20। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा जो आंसर होगा मिनिमम होगा। अब आ जा बेटे उसके बाद एक्स का एक वैल्यू और है एट एक्स इज इक्वल टू क्या 1, बेटे एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, पुट करना ये हो जाएगा 12 - 42 इज इक्वल टू -30 लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम, देख बेटे मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 1 पे, तो बेटे एफ मैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ मैक्स इज इक्वल टू, बोलो ना एक्स की जगह पे कितना पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 2 - 21 + 36 - 20। तो बेटे ये बताओ 36 + 2 = 38 - 41 इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा मैक्सिमम। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा मिनिमम, ये आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर टू। ओके गाइस, देखिए सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है,
पूरा स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने का, एक्स का वैल्यू निकालने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करने का पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो बेटे ये हो गया आपका सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर सेकंड हो गया। अब आइए सवाल नंबर थर्ड की ओर मूव करते हैं। आप एक एक सवाल अच्छे तरह से नोट करते जाइएगा, इसमें आज है अच्छे अच्छे सवाल आज आपको देखने को मिलेंगे। चल बेटे सवाल नंबर थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं, और जहां पे भी आपको डाउट्स होगा प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा। चलो देखो यहाँ पे सवाल नंबर थर्ड, आ जाओ सवाल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। सवाल नंबर थर्ड बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सुनो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस कितना बोला बेटे 24x। ओके गाइस, चलिए अब हम देखेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, आप लोग सॉल्व कीजिए ना। देखो बेटे कहीं पे भी अगर डाउट्स होगा तो समझ के लेना और अच्छे तरह से पूछ लेना, कहीं डाउट्स नहीं होना चाहिए। ओके चलो यहाँ पे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो बेटे यहाँ पे देखिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन, डिफरेंशिएट कर दे बेटे, डिफरेंशिएट बोलना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, देख बेटे डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 18x प्लस कितना 24, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटे एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर। तो भैया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो। तो भैया यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर कर दो, 3 को इधर भेजो ना, फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। बेटे पेयर बना लो, पेयर पेयर जोड़ा, एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटे यहाँ पे एक्स माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्या बात है, एक्स इज इक्वल टू 2 और 4, वही तो कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू 2 और 4 आया। अब बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सुनना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन सेकेंड को फिर से डिफ्रेंशिएट कर बेटे, तो 6x माइनस कितना हो जाएगा 18। अब क्या कर, ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो सबसे पहले लिखना एट एक्स इज इक्वल टू 2, पुट कर बेटे एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ पे बोलेंगे एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम, देख बेटे मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 2 पे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव इसका मतलब फंक्शन कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही बताएगा ना, तो यहाँ पे लिखो ना एफ मैक्स है, तो एफ मैक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू इसमें 2 पुट कर दे, ये हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस कितना 24 इंटू कितना हो जाएगा 2, बराबर है ना, 8 माइनस 36 प्लस 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा 56 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब चल बेटे सेकेंड वैल्यू पुट कर इसमें एट एक्स इज इक्वल टू 4, चल पुट कर दे एफ डबल डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव, ये 6 जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स है जे, बोलना बेटे मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 6 पे। तो बेटे एफ मिनिमम बताओ ना, एफ मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36 है, तो 9 इंटू 36 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू कितना हो गया, सॉरी 24 इंटू नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पे इसको करेक्शन कर लो, ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64
माइनस नाइन इंटू कितना हो जाएगा, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, सोलह प्लस 24 इंटू क्या हो जाएगा, चार। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सब सवाल एक ही जैसा हो रहा है, कोई ज्यादा हार्ड इसमें नहीं हो रहा है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। वही आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ सवाल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो एक्स का वैल्यू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नीचे में टेस्ट है, इसको बोलते हैं टेस्ट, यानी चेक करके हमें बताना है कि सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव तो मिनिमम और निगेटिव तो मैक्सिमम। चल बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर फोर। देखो यहाँ पे कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम आराम से करते जाइएगा, सारा सवाल आप लोग से हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर फोर की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर फोर क्या बोला है। देख बेटे यहाँ पे बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16 बाई एक्स स्क्वायर, शाबाश है। चल बेटे यहाँ पे आ जा, इसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छे तरह से। तो देखो यहाँ पे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट देख बेटे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो बेटे एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है 16। अच्छा इसको ऊपर लेके जाओ माइनस टू, तो माइनस टू एक्स के पावर में कितना हो जाएगा बेटे बताओ ना, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, यही ना। तो यहाँ पे ये बता एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस कितना 32 अपॉन में एक्स के पावर में कितना बेटे 3। अब ये बता ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, बेटे जल्दी से बता दे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के बराबर, तो यहाँ पे 2x है माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा बेटे जीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2x के पावर में 4 माइनस 32 अपॉन एक्स के पावर में 3 इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर कर दे बेटे तो यहाँ पे 2x के पावर में 4 माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो। देख बेटे यहाँ से 2 कॉमन निकाल तो एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 16 ना, तो 16 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस है ये लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बराबर है ना, तो बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। देख बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बेटे यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स के जगह पे कोई भी नंबर पुट कीजिएगा ये ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जीरो नहीं होगा, जीरो कौन सा होगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस 2 राइट। चल बेटे अब जरा यहाँ पे ध्यान दे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो बेटे ध्यान दे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सुनना यहाँ पे बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 माइनस 32 एक्स के पावर में माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 3 एक्स के पावर में माइनस 4 राइट ना, तो बेटे यहाँ पे 2 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ये बताओ 30 अपॉन एक्स के पावर में 4। अब एक मजे की बात बताऊं यहाँ पे देख बेटे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया है, तो यहाँ पे अगर एट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस 2 अगर प्लस 2 लीजिएगा तब भी ये क्या आएगा पॉजिटिव, लीजिए ना एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 तो एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना 2 प्लस 32 अपॉन एक्स के जगह पे 2 तो 2 रेस टू दी पावर 4 16 ये हो जाएगा 2 बेटे कितना आएगा 4 पॉजिटिव। और बेटे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं तो बेटे यहाँ पे बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ माइनस 2 कितना 2 प्लस 32 अपॉन माइनस 2 के पावर 4 ये भी 16 आ जाएगा ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगा मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स है मिनिमम मिनिमम एट दोनों पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे, तो बेटे बता दो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा एफ मिनिमम इज इक्वल टू एक्स की जगह पे प्लस माइनस 2 पुट कर दे बेटे प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पे 16 अपॉन प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बेटे प्लस का स्क्वायर भी 4 होता है माइनस का स्क्वायर भी 4 होता है तो 16 बाय कितना 4 आंसर क्या 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन।
तो ये थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग सवाल था, ऐसे सवाल आपको सीईटी और जेई में पूछेगा, क्योंकि बेटे यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन में आता है कि सर दोनों पॉइंट पे ही पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि सर दोनों पॉइंट पे मिनिमम, देखिए ना सर, और यहाँ पे आ भी रहा है, माइनस टू भी रखते हैं तो भी प्लस एट आएगा, और प्लस टू भी रखते हैं तो भी क्या आएगा, प्लस एट आएगा। इसका मतलब है कि प्लस माइनस टू पे हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कैसा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। चलिए ये हो गया बेटे सवाल नंबर चार, आ जाइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहीं पे भी डाउट्स हो जाएगा तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चल बेटे आते हैं सवाल नंबर पांच पे, सवाल नंबर पांच, ये सवाल पूछा हुआ है बेटे, अच्छे तरह से इसको समझिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स है। बेटे ये सवाल आपको जेडब्ल्यू में भी पूछा हुआ है, सीईटी में भी पूछा हुआ है, तो ये देखने में बड़ा छोटा सवाल लग रहा है लेकिन बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम में ऐसे सवाल अक्सर आपको जेडब्ल्यू में दे के फंसा देगा, ओके, ये आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है सवाल, चलिए तो देखा जाए इसको। तो बेटे इसका डेरिवेटिव आपको शायद याद होगा कि मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में बताया था कि डी बाई डी एक्स, याद कीजिए कि डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेज टू दी पावर एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग ऑफ एक्स है। आप पीछे अपना नोटबुक उठा के देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि एक्स रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेज टू दी पावर एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स होता है। जब मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा था तो वहां पे जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आया था उसका पहला सवाल यही है, ओके गाइस, आप वहां पे देख लीजिएगा कि एक्स के पावर में एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के पावर में एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स है। तो यहाँ पे देखिए ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन, देख बेटे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन, डिफ्रेंशिएट कर दे बेटे, डिफरेंशिएट देखे यहाँ पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो बेटे इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका क्या होगा, एक्स के पावर में एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, पहले समझेगा सब लोग। तो यहाँ पे एक्स के अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर, वही घिसा पिटा डायलॉग, एक्स रेज टू दी पावर एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेटे ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, एक्स के पावर में एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो कौन होगा बेटे, वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन को इधर कर दे बेटे तो लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इसका बेस कितना है ई, इधर लेके आ जा बेटे तो क्या प्राप्त होगा, अरे लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो तो एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस वन वन बाई ई। तो बेटे यहाँ पे एक्स के एक ही सोल्यूशन आया है तो इसका मतलब है कि या तो ये मिनिमम देगा या तो मैक्सिमम देगा। तो चलो ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, चल बेटे डी बाई डी एक्स है किसका डेरिवेटिव, एक्स के पावर में एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स, प्रोडक्ट टूल यूज कर ले बेटे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स को बाहर वन प्लस लॉग एक्स का वन बाई एक्स है, बीच में प्लस है, वन प्लस लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो डेरिवेटिव किसका, एक्स के पावर में एक्स का, एक्स के पावर में एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स, राइट ना। चल बेटे डी बाई एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स, दोनों में से कॉमन निकाल लो कितना हो जाएगा वन बाई एक्स है, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चल बेटे अब ये वाला डाटा उठा के पुट कर ले, यहाँ पे क्या कर एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई, तो देख बेटे एफ डबल डैश ऑफ वन बाई ई इज इक्वल टू वन बाई ई रेस टू दी पावर वन बाई ई इन ब्राइकेट एक्स के जगह पे वन बाई ई चला जाएगा ऊपर में प्लस है, बेटे वन प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग वन बाई इसका होल स्क्वायर। इंटरेस्टिंग सवाल है बेटे, आराम से समझ लेना। तो एफ डबल डैश वन बाई ई वन बाई ई रेस टू दी पावर वन बाई ई इन ब्रैकेट ई प्लस है। अच्छा ये बताओ लॉग वन बाई एन, याद करो बेटे तुमको बताए थे कि लॉग वन बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ लॉग एन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वन माइनस कितना लॉग ई इसका होल स्क्वायर, और लॉग ई का वैल्यू कितना वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया।
तो एफ डबल डैश ऑफ वन बाई ई इज इक्वल टू कितना, वन बाई ई रेस्ट द पावर वन बाई ई इंटू ई। बेटे ये ई का वैल्यू पॉजिटिव और एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई। तो चल बेटे एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे वन बाई ई पुट कर दे तो वन बाई ई रेस टू दी पावर वन बाई ई, ई हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं, देखने में तो बहुत ही छोटा सा सवाल, टिंडी सा लग रहा था, लेकिन बेटे ये बहुत ही क्रिटिकल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं। ओके गाय, तो देखिए ऐसे सवाल अक्सर आपको जेड वाली में दे के फंसाएगा और सीटी में भी दे सकता है, बोर्ड में नहीं देगा क्योंकि बोर्ड में ये सवाल नहीं है। तो इसलिए मैं कल जानबूझ के दिया था ताकि आप लोग इसको ट्राई कर सकें। चलिए ये हो गया सवाल नंबर पांच। चल बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर सिक्स है। अच्छे तरह से ध्यान देते जाना, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछते जाना। ओके चलिए सवाल नंबर सिक्स पे आते हैं। सवाल नंबर सिक्स इसी की जैसा है, अब आप कर सकते हैं वही लॉग वाला जैसा, बस खाली थोड़ा सा चेंज है। चलिए मैं डायरेक्ट आता हूँ सवाल नंबर सेवन पे। सवाल नंबर सिक्स से सवाल नंबर फाइव के जैसा है, कर लीजिएगा, वो भी सवाल अच्छा है। तो बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देख बेटे लॉग एक्स अपॉन में क्या है बेटे, एक्स है। चलो ये अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो देखते चलिएगा, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो नोट करिएगा। चलिए तो बोला जाए कैसे सॉल्व करना बताइए, वही सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव लगाइए। ठीक है सर, आप जब बोल रहे हैं तो लगा देते हैं, लगाइए ना। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, देख बेटे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। बेटे ये बताओ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिविजन रूल, एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, बीच में माइनस है, अब क्या करेंगे, लॉग एक्स को बाहर करेंगे, बेटे एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्या बात है, ये दोनों उड़ गया काम से। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कितना, लॉग एक्स अपॉन में क्या होगा बेटे, एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। चल बेटे अब क्या कर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर कर दे, वन माइनस कितना, लॉग एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इधर कर दे वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देख बेटे यहां से अगर हम बात करें तो लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना, वन, इसका बेस ई, इधर लेके आ जा, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में वन इज इक्वल टू ई, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पे देख बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, इसमें अगेन डिविजन रूल, नीचे वाले को बाहर, एक्स स्क्वायर को बाहर किए, तो वन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन बाई एक्स है, बीच में माइनस, वन माइनस लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स अपॉन नीचे में क्या होगा बेटे, बोलो ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स रेस टू दी पावर फोर। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बता कितना हो जाएगा, ये एक एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स है, उसके बाद माइनस ऑफ टू एक्स इंटू वन माइनस कितना, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स रेस टू दी पावर फोर। ओके गाय, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटे दोनों में से एक्स कॉमन निकाल ले, माइनस एक्स कॉमन निकाल, माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये वन वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ऑफ टू वन माइनस कितना, लॉग एक्स है, बराबर है ना, डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू दी पावर फोर। बेटे एक एक्स कट जाएगा, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस इन ब्रैकेट, देखो यहाँ पे वन, और ये देखो ये हो जाएगा टू, तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री, माइनस कितना हो जाएगा, टू लॉग कितना हो जाएगा, एक से अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स रेस टू दी पावर थ्री। चल बेटे अब यहाँ पे ले ले एट एक्स इज इक्वल टू ई, तो ये बता एफ डबल डैश ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे थ्री माइनस टू, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है बेटे, वन अपॉन में नीचे में क्या हो जाएगा, ई का क्यूब, राइट ना। अच्छा ये बता यहाँ पे तीन माइनस दो क्या हो जाएगा, एक, एक माइनस है तो माइनस वन बाई ई स्क्वायर, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। तो बेटे ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव, इसका मतलब हम बोलेंगे
एफ ऑफ ए एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये बता बेटे एफ मैक्स कितना जाएगा, एफ मैक्स इज इक्वल टू सुनना एक्स की जगह पे ई, तो लॉग ई का वैल्यू कितना 1, नीचे में एक्स की जगह पे ई, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 1/e। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे सवाल जो है ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल का प्रैक्टिस आपको करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इस टाइप के सवाल का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो बेटे इस टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। अब देखिए सवाल नंबर 8 की बात करेंगे, आ जाइए सवाल नंबर 8। सुनो बेटे यहाँ पे अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8 क्या बोलता है, देख लो तो क्या बोल रहा है, कुछ आसान है या हार्ड है? आसान है यार। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोलो कितना है, एक्स रेज टू दी पावर 3 माइनस कितना 3x² - 24x प्लस कितना बेटे 5। देखिए अभी इस टाइप का सवाल स्टार्टिंग में आप ऑलरेडी किए थे, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्रेंसिएट, देख बेटे डिफ्रेंसिएट बोथ साइड, डिफ्रेंसिएट बोथ साइड, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² - 6x - 24। देख बेटे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को किसके बराबर, 0 के बराबर, तो बोलो ना ये क्या हो जाएगा 3x² - 6x - 24 इज इक्वल टू 0। बेटे इसमें से 3 कॉमन निकाल लो तो x² - 2x - कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर कर दे बेटे x² - 4x प्लस कितना 2x - 8 इज इक्वल टू 0। बेटे दो दो का पेयर बना ले तो x इंटू क्या हो जाएगा x - 4 + 2, ये क्या हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। सुनना x - 4 * क्या हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना -2 और 4। अब आजा बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले, यहाँ पे अब देखते जाना, कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछते जाना। चल बेटे यहाँ पे अच्छे तरह से समझते जाना, कोई भी डाउट होगा तो पूछना। तो बेटे ये x का 2 वैल्यू आ गया, तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, सुनना एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x - 6। देख बेटे एट एक्स इज इक्वल टू पहले -2, तो एफ डबल डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12 - 6 इज इक्वल टू -18 लेस देन 0। इसका मतलब हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, बोलना मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो चल बेटे एफ मैक्स निकाल ले, एफ मैक्स की बात करेंगे तो एक्स की जगह पे -2 पुट कर दे, -2 का क्यूब, उसके बाद -3 * -2² -48 + 5, तो ये हो जाएगा -8 - 2² 4 * 3 - 12 + 48 + 5, तो ये हो जाएगा -20। और बेटे ये बताओ 48 + 5 कितना हो जाएगा 8 * 5 = 13 यही ना, और 53 - 25 ये हो जाएगा बेटे 33, ये हो जाएगा आपका 33। देख लो एक बार चेक कर लो सब लोग बढ़िया से, एक्स के यहाँ पे -2, तो -2 का क्यूब क्या होगा -8, -2² 4, 4 * 3 = 12, ये वाला निगेटिव रह गया। यहाँ पे एक्स के यहाँ पे -2 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 24 * 2 = 48 + 5, तो देखो ये दोनों प्लस वाला ऐड कर दिया, ये दोनों माइनस वाला ऐड कर दिया, राइट ना, तो ये हो गया 33 मैक्सिमम। एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे निकाल लो बेटे, तो ये बताओ एफ डबल डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 - 6, राइट ना, तो 24 - 6 कितना हो जाएगा 18 यानी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि हम बोलेंगे एफ ऑफ ए एक्स हैज मिनिमम, बोलो ना मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 4 पे, तो बेटे ये बताओ कि एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एफ मिनिमम इज इक्वल टू बोल बेटे 4 का क्यूब कितना होता है 64 - 4 का स्क्वायर 16 * 3 कितना हो जाएगा
48 बराबर है ना। अब ये बताओ 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा 96 है, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 5, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आएगा आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देख बेटे यहाँ पे मिनिमम निकल गया, ये आपका मैक्सिमम निकल गया। ओके तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना ज्यादा हार्ड का काम नहीं है, बशर्ते कि अगर आपका कैलकुलेशन पोर्शन अगर स्ट्रांग है तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके हो गया सब लोग का। तो देखिए यहाँ पे दो सवाल जो आपके बचे हुए हैं, वो रिमेनिंग सवाल जो बचे हुए हैं वो आपके इसी टाइप के हैं, आप अच्छे तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस तो देखिए यहाँ पे अभी आपको इतना तो पता चल चुका है कि मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें कैसे निकालना है। ओके गाइस तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आइए आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक सवाल जरा देखिए तो आप लोग इसको ट्राई करके दिखाइएगा तो कल मुझे एक सवाल दे रहा हूँ और अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल आपको जेई में पूछेगा। चलिए लिखे सवाल, लिखेगा सवाल, सवाल बड़ा अच्छा है। क्या बोला है कि ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रिक्टेंगल फुल स्टॉप फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रिक्टेंगल इज मैक्सिमम। देखिए ये सवाल जेई के लिए बड़ा ही पावरफुल सवाल है और बेटे ऐसे सवाल 90% नहीं 110% आपको बोर्ड में ही पूछेगा और जेई में तो आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ओके तो चलिए मैं इसको एक सवाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए कैसा आपको सॉल्व करना है तो फिर आपको पता चल जाएगा। देख बेटे सवाल बड़ा अच्छा है, कहता क्या है कि एक वायर है जिसकी लंबाई कितना है 120 सेंटीमीटर। पहले सवाल को एकदम बारीकी से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बेटे, ऐसे सवाल एकदम जेई में पूछेगा। बेटे एक वायर है, ये देखो ये हमारे पास वायर है, इसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। ओके और इस वायर को क्या किया गया, बेंड किया गया है, मोड़ा गया है। और बेटे आफ्टर बेंडिंग इसको बेंड करके क्या बनाया गया है बेटे, रिक्टेंगल। इसको बेंड करके क्या बनाया गया है, रिक्टेंगल। तो हमें क्या बोला है कि इस रिक्टेंगल का एरिया जो है वो मैक्सिमम है, तो बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन का मतलब बेटे लेंथ और ब्रेथ। तो चलो ना मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है बेटे एक से, और बेटे इसकी चौड़ाई क्या है बेटे वाई, मान लेते हैं। मजे लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बेटे, अच्छा लगेगा। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रिक्टेंगल एंड वाई बी द
विड्थ ऑफ रिक्टेंगल। मजे लेना बेटे, बड़ा ही प्यारा सवाल है। हमने मान लिया कि इस रिक्टेंगल की लंबाई x है और चौड़ाई y है। अच्छा ये बताओ इसका रिक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। सुनो, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल 2 × क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। अच्छा बेटे, इसी वायर को मोड़ के क्या बनाया गया है, रिक्टेंगल बनाया गया है। तो इसकी जो चारों साइड की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी, 120 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि बेटे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री के लेंथ का सम। तो बेटे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 2 × क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो बेटे ये हो जाएगा कितना, 60 इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 - x। मजा आ गया बेटे, y का वैल्यू तो निकल गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होता है बेटे, फॉर्मूला जल्दी बताओ। एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होता है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया को मान लेते हैं a इज इक्वल टू x, y का वैल्यू कितना है, 60 - x। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, 60 - x से मल्टीप्लाई कर दो, 60x - क्या हो जाएगा, x2। तो बेटे इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। अब आगे का प्रोसीजर तो आपको पता है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dA/dx निकालो, dA/dx कितना हो जाएगा, 60 - कितना, 2x है बेटे। dA/dx को क्या करना है बेटे, 0 के बराबर। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, 60 - 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना गया बेटे, 30। x का वैल्यू कितना गया, 30। ओके चल बेटे आगे बढ़ जा, x का वैल्यू 30, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारा हो गया b नंबर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल बेटे, सुनना यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये बता, d2a/dx² इज इक्वल टू 60 का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव कितना, -2 < 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव, तो इसका मतलब है कि एरिया शुड बी क्या होगा बेटे, एरिया शुड बी मैक्सिमम, यही ना रे, एरिया शुड बी मैक्सिमम एट कहाँ पे, x = 30 पे। तो बेटे ये बताओ लेंथ का कीमत कितना निकल गया, लेंथ यानी x = क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और बेटे विड्थ है, विड्थ कहने का मतलब क्या, y का वैल्यू कितना है, 60 - x। तो 60 - x का वैल्यू कितना, 30। आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रिक्टेंगल है वो एक प्रकार का क्या है बेटे, स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज स्क्वायर। बेटे वो रिक्टेंगल जो है उसका नाम भी पूछ सकता है कि वो रिक्टेंगल कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो देखिए ये सवाल को मैं आपको ओरली समझाता हूँ, सुनिए। 120 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है, लंबा वायर है, उसको बेंड करके क्या बनाया गया बेटे, रिक्टेंगल बनाया गया है। उस रिक्टेंगल का एरिया क्या बोला है, मैक्सिमम। तो हमने रिक्टेंगल का डायमेंशन मान लिया, x उसका लंबाई है, डायमेंशन रिक्टेंगल में दो ही होता है, लेंथ और ब्रेथ। क्योंकि बेटे ये 2D फिगर है, 2D फिगर में दो ही डायमेंशन होते हैं, 3D में 3 डायमेंशन होंगे। तो यहाँ पे x बी द लेंथ ऑफ रिक्टेंगल, y बी द विड्थ ऑफ रिक्टेंगल। मान लिए पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री के लेंथ का सम। तो रिक्टेंगल का पेरीमीटर कितना, 2 × x + y। और बेटे पेरीमीटर यानी कहने का मतलब कि जितनी वायर की लंबाई है उतना ही उसका क्या है, पेरीमीटर है। तो ये पेरीमीटर 120, यहाँ से x + y निकल गया बेटे, x को इधर भेज दिया, ये प्लस में जरा के माइनस में, तो 60 - x है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि एरिया मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम बोला है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ रिक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, वाई का कीमत उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसके नीचे वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करने का, एक्स का वैल्यू निकालने का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करने का। ओके तो बेटे इस टाइप के सवाल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कल से और तैयार हो जाइएगा जेई मेंस प्लस एडवांस के सवाल के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपको जेई में तो है ही, सीईटी में भी है, बोर्ड में भी है, आपके स्टेट बोर्ड में भी इस टाइप के बहुत ही बेहतरीन सवाल दिए हुए हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक आपको मेंसुरेशन के फार्मूले पाठ नहीं होंगे तब तक आपको छापने के अलावा कुछ नहीं होगा।
तो जितना हो सके जिनको फार्मूले पाठ रहेंगे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और यहाँ से एक सवाल 120% मान लीजिए आएगा ही आएगा, जेई में भी आता है, इस बार भी आया हुआ है, इस बार का भी सवाल दिखाऊंगा। इस बार का सवाल था एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड, तो बेटे यहाँ पे सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। तो प्लीज आप लोग इस टाइप के सवाल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। फिर आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, उसके बाद एक्सट्रीमम वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे और बहुत सारे पॉइंट इसमें हम डिसाइड करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज इंटरवल, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द ओपन इंटरवल, ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे डेंजर टॉपिक है। तो भाई एक बात आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, बोर्ड में इससे आगे नहीं पढ़ना है, बोर्ड में बस इतना ही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं है, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल नहीं है, वो हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए आप लोग प्लीज घर पे अच्छे तरह से होमवर्क करते रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड लक।